Zeal Raincoats, office to home, non-stop. Zeal Raincoats, बारिश के लिए रुकना never. खुद को शिवसेना का हिस्सा बताने वाले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बड़ी कार्रवाई की है. उद्धव ठाकरे ने शिंदे को पार्टी नेता पद से हटा दिया है. उद्धव ठाकरे ने बयान जारी करते हुए कहा कि शिंदे अब शिवसेना के नेता नहीं है, उन पर पार्टी से बगावत करने का आरोप है. बता दें कि कल ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने. उनके साथ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद संभाला. शिवसेना के दावों को लेकर गर्मागर्म लड़ाई में उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे को पार्टी संगठन में शिवसेना नेता के पद से हटा दिया है. पार्टी द्वारा जारी एक पद में शिवसेना सुप्रीमो ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही हैं और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ दी है. उद्धव ठाकरे द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख के रूप में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आपको पार्टी संगठन में शिवसेना नेता के पद से हटाता हूँ. वहीं इसके उलट शिंदे ने दावा किया है कि वो शिवसेना के नेता हैं और ठाकरे खेमा अल्पसंख्यक हैं. उन्होंने कभी भी खुद को पक्ष प्रमुख नहीं कहा. उद्धव ठाकरे तकनीकी रूप से अभी भी पार्टी प्रमुख हैं. वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसदों के गुट ने शुक्रवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से कहा कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अपने मतभेद दूर करें. हालांकि इस सुझाव पर ठाकरे की प्रतिक्रिया का पता नहीं चल पाया है. सूत्रों ने कहा कि बैठक में तीन सांसदों, मुख्यमंत्री शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में आ चुकी भावना गवली और राजन विचारे ने हिस्सा नहीं लिया था. शिवसेना के लोकसभा में 19 सदस्य हैं और राज्यसभा में 3 सदस्य हैं. बता दें कि कल्याण से लोकसभा सदस्य श्रीकांत पहले ही अपने पिता के खेमे में जुड़ चुके हैं, जबकि यवतमाल से सांसद भावना गवली ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर हिंदुत्व के संबंध में बागी नेताओं की शिकायतों पर विचार करने का आग्रह किया था. राजन विचारे लोकसभा में ठाणे सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है. हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है. हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है.